की तो बच्चों हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने हमारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। लेकिन नंबर लाइन क्या होती है, कैसे इसको शो करना है, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन होती है एक, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बता दूं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो ज्योमेट्री के हिस्से को हमारे यहाँ पंजाब में उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो इसको हम एक शॉ कहते हैं जिसके दोनों साइडों पे एरो लगा होता है। इसको हम जितना मर्जी दोनों साइडों पे अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं जिसे हम ओ से जाहिर करते हैं, और इसके राइट साइड पे हम लेते हैं माइनस के, और लेफ्ट साइड पे हम लेते हैं प्लस के डिजिट। और माइनस और प्लस के डिजिट लेते कैसे हैं, किस तरह से इस पे शो करते हैं नंबर लाइन पे, तो ये इजीली इसका आसान तरीका ये है कि जिस तरह से स्केल के ऊपर हम ज्योमेट्री में स्केल यूज करते हैं, स्केल के ऊपर जिस तरह से पॉइंट्स लगे होते हैं, उसमें सबसे पहले शॉर्ट पॉइंट्स लगे होते हैं सेंटीमीटर्स के, और उसके बाद एक पॉइंट को उन लोगों ने वाजे किया हुआ है ऐसा यूनिट के हिसाब से सेंटीमीटर का, तो उसे हम 1 सेंटीमीटर का नेम देते हैं। इसी तरह से सेम उसी लेंथ में उसी उतनी ही डिस्टेंस पे नेक्स्ट पॉइंट हमें मिलता है 2 का। इसी तरह से ये नंबर लाइन जो है ये आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस पे हमने अपनी स्टेटमेंट को शो करना है। अपनी स्टेटमेंट को शो करने के लिए मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर हम आसानी से इसको करें तो हम स्केल वाइज ले सकते हैं। अब स्केल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बिल्कुल स्केल वाले सेंटीमीटर लें, यहाँ सेंटीमीटर लेना मकसद नहीं है। यहाँ पे हमने नंबर्स लगाने हैं, और नंबर्स लगाने के लिए निशान हमने सेंटीमीटर्स की तरह लेने हैं। अब यहाँ व्हाइट बोर्ड पे तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए नंबर लाइन लगाई है, और सिर्फ ये बताना है, तरीकाकार बच्चों को बताना है कि किस तरह से इस पे नंबर्स हम लगा सकते हैं। तो जब पेज पे कॉपी पे रजिस्टर पे इसको बनाया जाता है, तो फिर आप लोग स्केल के साथ ही सेंटीमीटर वाले निशान भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर लाइन है हमारे पास, क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, उसमें स्टेटमेंट है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 डिवाइडेड बाय 3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो यहाँ पे बाकी के तमाम क्वेश्चंस के नंबर मैंने यहाँ लगा दिए हैं, लेकिन समझाने के लिए इस फर्स्ट नंबर लाइन को मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैं डिटेल के साथ यहाँ बता देती हूँ कि जिसके साथ ऐसी फ्रैक्शन जिसके साथ कोई मिक्स नंबर ना लगा हो, मतलब जिस तरह से ये स्टेटमेंट है हमारे पास 1 mix 3/4, इस तरह से ना हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमने उसको ओ से लेके 1 तक, अगर प्लस में है तो ओ से लेके 1 तक चूज करना है कि हमने कहाँ लगाना है इसको, और अगर माइनस में है तो भी हमने ओ से लेके -1 तक इसको चूज करना है कि हमने अपना नंबर कहाँ पे लगाना है। अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलावा उसके साथ मिक्स नंबर भी कोई दिया हुआ है, तो उसको हमने उतने नंबर छोड़ के, उस अगर 1 है तो हमने 1 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर्स में नंबर को शो करना है। अगर हमारे पास -2 है तो हमने -2 डिजिट छोड़ के उसके आगे उसको शो करना है, और अगर हमारे पास +2 है तो हमने +2 के कैबन्स को छोड़ के उससे आगे हमने डिजिट में उसको शो करना है। यहाँ हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास 2 न्यूमरेटर है 3 डिनोमिनेटर है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि इसके साथ कोई मिक्स नंबर नहीं है, हमने इसे लगाना 1 तक ही है। पहले ये चेक करें कि ये प्लस में है या माइनस में, अगर प्लस में है तो हम इसे प्लस वाली साइड पे लगाएंगे, और प्लस वाली साइड में लगाने के लिए हमारे पास जो डिजिट है वो है ओ से लेके 1 तक। हमने किस में इसको शो करना है, हमने इसको शो करने के लिए
यहाँ से ओ से लेके वन तक ये छोटे छोटे मैंने पॉइंट लगाए हुए हैं, ये हमारे पास हैं 10। हमने इस तादाद को 10 तादाद को लेके 3 पे हमने करना है डिवाइड। 10 को हमने 3 पे डिवाइड करना है, हमारी ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। इसमें हमें पॉइंट चाहिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगेगा 0 पड़ेगा, फिर 10 होगा, फिर हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट के बाद जो हमारे पास आंसर है उसको हमने नहीं लेना, हमने तकरीबन जो हमारे पास पॉइंट से पहले है राइट साइड पे डिजिट आया है हमने सिर्फ उसे ही लेना है। उसे लेके हमारे पास है 3, तो हमने 3 के बनाने हैं यहाँ पे पॉइंट्स। 3 के कितने पॉइंट्स बनेंगे वो काउंटिंग हमारे पास आ गई है, जिसको लेके हमने पार्ट्स बनाने हैं। पार्ट्स हमने बनाने हैं 3। अब डिजिट है हमारे पास ओ से लेके 1 तक, और इसके पार्ट्स बनाने हैं हमने 3। और किस काउंटिंग में बनाने हैं, डिवीजन करने से ये काउंटिंग हमारे पास आ गई है, वो है 3। हम 1 2 3 3 पार्ट्स के 3 पार्ट्स बनाएंगे। ये निशान मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, हम 3 3 पॉइंट को लेके 3 पार्ट्स इसके बनाएंगे। और हमारा असल फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, जो नॉमरेटर है हमारे पास 2, हमने उसको फाइनल करना है। हमने 2 पार्ट्स इसके लेने हैं, और जो 2 पार्ट्स जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वही हमारा पॉइंट होगा। उसको आपने किसी भी कैपिटल लेटर से जाहिर करना है यहाँ पे, ए बी सी डी वगैरह, और वो स्टेटमेंट जो आपके पास है उसको हमने यहाँ ऊपर लिखना है। इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी भी स्टेटमेंट को शो कर सकते हैं। हमने जो पार्ट्स बनाने हैं वो डिनोमिनेटर के जरिए से बनाने हैं। हमने डिनोमिनेटर के जरिए से किस तरह से बनाने हैं, हर कैबन में चाहे ओ से लेके 1 तक है, चाहे 1 से लेके 2 तक है, 2 से 3 तक है, हमारे पास शार्ट पॉइंट्स जो हैं वो 10 हैं। हमने 10 को ही डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने पे हमारे पास वो काउंटिंग आएगी जिसको हमने लेके इसके पार्ट्स बनाने हैं। जितना हमारे पास डिनोमिनेटर है उतने ही हमने इन शॉर्ट पॉइंट्स के पार्ट्स बनाने हैं, और जो नॉमरेटर है हमारे पास उतने पार्ट्स हमने चूज करके उस पे निशान लगा के उसको वाजे करना है, और किसी भी कैपिटल लेटर के साथ उसको मेंशन करना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैंने डिवाइड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारे पास डिवीजन बनती है इसकी 2, जिसके हम पार्ट्स बनाएंगे। और ये -4 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको हमने नंबर लाइन के माइनस वाली साइड पे शो करना है। और माइनस वाली साइड पे हमने कैसे शो करना है, इसमें कोई मिक्स नंबर नहीं है, हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है और 5 पार्ट्स हमने बनाने हैं, और ये वो काउंटिंग है जिसके जरिए हमने 5 पार्ट्स बनाने हैं। हमने 2 शॉर्ट नंबर्स का एक पार्ट, 2 शॉर्ट नंबर का सेकंड पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, और ये 5। इसमें से अब हमने चूज करने हैं माइनस। माइनस तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हम माइनस वाली साइड पे इसको हल कर रहे हैं। हमने इसके 4 पार्ट चूज कर लेने हैं 5 में से, 1 2 3 4, और जहाँ पे ये 4 कंप्लीट हो रहा है उसको हमने मेंशन कर देना है कैपिटल लेटर ए से, और उसके ऊपर हम लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और इस नंबर लाइन के नेम हमने लाजमी यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके लिए है एल, क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए है एम, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एन, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है पी। तो थर्ड पे है हमारे पास एन नंबर लाइन, और वहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है 1 mix 3/4, और इसके लिए हमने प्लस वाली साइड पे मेंशन करना है, और प्लस वाली साइड पे मेंशन करने के लिए हमारे पास काउंटिंग है 2.5। 2.5 हमने तकरीबन 2 जो लेके उस शॉर्ट
शॉर्ट जो हमारे पास जहाँ पे निशान लगे हुए हैं हमने उसके फोर पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन कहाँ पे वन को हमने मिक्स नंबर है इसलिए वन को छोड़ के हमने वन और टू के दरमियान ये हमारी जो स्टेटमेंट होगी यहाँ पे शो होगी वन से लेके टू के दरमियान। और यहाँ पे हमारे शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं उसके हमने फोर पार्ट्स बनाने हैं, उसमें हम तकरीबन 2.5 का डिस्टेंस लेते हुए हम ये पार्ट्स बनाएंगे। और पार्ट्स बनाने के बाद फोर हमने बनाने हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो उस जगह पे होगा जहाँ पे थ्री पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थ्री पार्ट्स जहाँ पे कंप्लीट होते हैं वहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है और यहाँ पे कैपिटल लेटर ए से इसको शो किया है। यहाँ हम अपनी स्टेटमेंट ऊपर लिख सकते हैं, वन मेक्स थ्री डिवाइडेड बाई फोर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन फोर है, उसमें है -2 मेक्स 5/8। इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस हमने लेना है पार्ट्स बनाने के लिए 1.2 का है और 8 हमने बनाने हैं पार्ट्स। इसको वैसे ही हम देख सकते हैं कि -1 -2 मिक्स नंबर है, इनको छोड़ देना है। हमारा जो पॉइंट होगा वो -2 से -3 के दरमियान होगा और -2 से -3 के दरमियान शार्ट पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास हैं। शार्ट पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो हैं 10, और 10 के हमने 8 बनाने हैं। तकरीबन हमने 1.5 का डिस्टेंस लेते हुए 8 पार्ट बनाने हैं और उसके बाद हमने तकरीबन ये शॉर्ट पॉइंट 9 तक जाके बनेंगे और उसमें से हमने 5 जो हैं वो चूज कर लेने हैं। अब इतने छोटे छोटे यहाँ पे निशान हैं, इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स के निशान नहीं लगा सकते। ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए था, ये शॉर्ट लाइंस आप लोगों ने नहीं लगानी, यहाँ सिर्फ इसको मेंशन करना है और इसे आप यहाँ पे काउंट करके मेंशन कर सकते हैं। हमने लेने हैं सिर्फ 5 और 5 है हमारे तकरीबन यहाँ तक। इसको कैपिटल लेटर से शो करें और -2 मेक्स 5/8, ये हमारी स्टेटमेंट है। उसके बाद है नंबर 5 पे, नंबर 5 पे हमारे पास है 2 मेक्स 3/4। 2 मेक्स के लिए हमने 1 से लेके 2 तक छोड़ देना है। 2 और 3 के दरमियान हमारा क्वेश्चन हल होगा और जो डिस्टेंस हमने लेना है वो है 2.5 का और पार्ट्स हमने बनाने हैं 4, जितना हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 पार्ट्स बनाते हुए। ये तकरीबन तक शॉर्ट पॉइंट 9 तक हमारे 4 पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं और हमने इनमें से चूज करने हैं 3, और 3 जो है वो यहाँ तक है, ये ए कैपिटल लेटर से शो हो रहा है और यही हमारा फाइनल होगा पॉइंट और इसी पे हम अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे जो है, नंबर 6 पे हमारे पास है 5 अंडर रूट और वो बनेगी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एक शेप बनेगी। इसके लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए और उसको हल करने के लिए ये ऊपर से हमें रेस करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी और इसे कॉपी पे हल करते हुए आप स्केल की मदद से यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसको स्केल की मदद से बनाया जा सकता है। यहाँ पे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसके 5 क्वेश्चन हमने अभी हल किए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको हमने जिस तरीके से हल किया है वो थे हमारे पास रेशनल नंबर और ये स्टेटमेंट है हमारे पास इरेशनल नंबर। 5 अंडर रूट इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हमेशा ज्योमेट्रिकल शेप में नंबर लाइन पे जाहिर किया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रकार की पेंसिल की और स्केल की जरूरत है, लेकिन बनाना इस शेप को किस तरीके से है, वो यहाँ पे तरीकाकार मैं समझा देती हूँ। ये हमारे पास है प्लस में और हमने इसको बनाना है नंबर लाइन की प्लस वाली साइड पे, माइनस वाली साइड पे हमने इसको शो नहीं करना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है 5 और इसके लिए हमने ये रूट है 5 और इसके लिए हमने ये 2
तक डिजिट जो हैं वो चूज करने हैं, और ओ से लेके यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है 2 के साथ क्यू। क्यू हमारे पास प्रकार की शेप में यहाँ पे एक रेडियस होगा, और इस पॉइंट को लेते हुए हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो खींचनी है। परपेंडिकुलर लाइन को फिर हमने यहाँ प्रकार का सेंटर मानते हुए हमने एक दायरवी शक्ल की कॉस जो है वो लगानी है, और वो कॉस जो है वो जिस जगह पे जा कॉस जो है वो जिस जगह पे जाके इस परपेंडिकुलर लाइन को टच करेगी वो हमारा पॉइंट होगा पी। यहाँ पे जो शेप है उसको पी को फिर हम नुक्ता ओ के साथ यहाँ पे मिलाएंगे, और ये एक हमारी ट्राइंगल ओ पी क्यू शेप बनेगी, और यही इसको शो करने का एक तरीका है। यहाँ पे जो लेंथ रेडियस और जो ये हमने कॉस ली है, ये बिल्कुल इस कॉस हमने ली है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसको जब पेज पे बनाएंगे स्केल की मदद से बनाएंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो शेप है ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, और इसको बनाया किस तरह जाता है ये यहाँ पे इस शेप के जरिए मैंने बता दिया है। इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन।